हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की रेसिपी है मूली की सब्ज़ी। मूली की सब्ज़ी हम बनाएंगे झटपट से, 5 मिनट में ये सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है और ये सीजनल है। अब सर्दियां आ रही हैं जैसे कि, और मूलियां खूब मिलेंगी और सस्ती भी मिलेंगी, तो आप मूली की सब्ज़ी खाएं जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो यहाँ मैंने 1/2 किलो मूलियाँ ली हैं और इनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और अब मैं इसको कट कर लूँगी। आप इसको कोई भी शेप में कट कर सकते हो। तो इनको पहले हम रगड़ लेंगे ऊपर से, तो कि जो इनका मोटा वाला भाग है वो उतर जाए, जिस पे थोड़े बाल से लगे होते हैं वो हम उतार लेंगे और इसको हम अच्छे से काट कट कर लेंगे। आप इसको कोई भी शेप में कट कर सकते हो। यहाँ मैंने अपनी मूलियाँ काट ली हैं और यहाँ मैंने पत्ते भी रखे हैं, जो मैं पत्ते भी सब्ज़ी में डालूँगी। इससे इसका बहुत ही टेस्टी आएगा और इससे हमें बहुत बेनिफिट भी मिलेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने पहले सब छोटे छोटे आकार में काट ली हैं और फिर मैं इसको लंबे लंबे आकार में काट लूँगी। तो आप इसको चाहें तो गोल भी काट सकते हैं, लंबा भी काट सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे इसको शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इसको लंबी शेप में कट करूँगी और ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और यहाँ पर मैंने मूली के पत्ते भी अच्छे से वॉश करके रख लिए हैं, इनको भी मैं बीच में ही कट करूँगी और ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर सारी मूली कट कर ली है और यहाँ पे अब मैं पत्तों को कट करूँगी। ये देखिए, इसको जो पीछे के हम डंठल है वो निकाल देंगे। अगर आप चाहें तो ये डाल सकते हैं, लेकिन मैं इनको निकाल दूँगी क्योंकि ये ज़्यादा मेरे को साफ़ नहीं लग रहे हैं, मोटे ज़्यादा हैं तो उसके बाल से हमें खाते टाइम आएंगे, इसलिए मैं इसके सिर्फ पत्तों का यूज़ करूँगी और मैं इनको कट कर लूँगी। तो ये देखिए, मैं इनको कट कर रही हूँ। जैसे हम साग काटते हैं वैसे ही हमें काटना है इसको, और हमको थोड़ा इसको बारीक रख के काटना है, मोटा नहीं काटना है क्योंकि हमको ये सब्ज़ी ज़्यादा देर नहीं पकानी है, ये सिर्फ 5 मिनट में बन के रेडी हो जाती है, तो इसके लिए हमें थोड़ा बारीक ही काटना पड़ेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो ये देखिए, ऐसे ही मैंने सारी ये काट कर ली है। आप चाहें ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसमें। तो एक तरह हम कढ़ाई रख देंगे जिस पे भी हम सब्ज़ी बनाना चाहें वो रख देंगे और ये 5 मिनट में बन के रेडी वाली सब्ज़ी है। जब आपका मन करे तब आप इसको बना के खा लीजिए। इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं, और सब्ज़ी हो फिर भी इसको आप साथ में एक सब्ज़ी और बनाना चाहें तो आप ये बना के खा सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, इस पर मैं डालूँगी अजवाइन। यहाँ मैंने 1 चम्मच अजवाइन डाला है। यहाँ पे हमने जीरा मेथी कुछ भी यूज़ नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे अजवाइन का यूज़ करना है और ये बहुत ही परफेक्ट सब्ज़ी बनेगी। तो ये देखिए, यहाँ मैंने एक हल्दी, नमक, हरा धनिया जो सूखा धनिया होता है वो डाला है, और यहाँ मैं डाल दूँगी लाल मिर्च। आप अपनी सब्ज़ी के अकॉर्डिंग अपने मसाले डाल सकते हैं कम या ज़्यादा करके। तो अब हम इसको 1 मिनट के लिए भुनेंगे ताकि ये हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएं। और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना और मेरे साथ शेयर करना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए, यहाँ मैंने जो मूली कट करी थी वो मैं डाल दूँगी और हम इसको मिला लेंगे ताकि हमारे सारे मसाले इसमें मिल जाएं। तो ये देखिए, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो हम अच्छे से मिला लेंगे और इसको हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। ज़्यादा समय नहीं लगता, 2 से 3 मिनट इसको काटने में ही लगते हैं और 2 से 3 मिनट इसको पकाने में लगते हैं, और ये हमारी 5 मिनट में सब्ज़ी बन के रेडी हो जाती है। तो ये देखिए, अब मैं इसको ढक के रख दूँगी जिससे ये 2 से 3 मिनट तक पक जाएगी। मूली बहुत ही जल्दी पक जाती है। तो इसको मैंने ढक दिया है और अब मैंने इसको ढका हुआ था वो उठा के देखा है। तो ये देखिए, हमारी मूली की सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है। तो चलिए, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।